अष्टोत्तरशत श्री श्रीमतीस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद 59 अध्याय श्लोक संख्या 32 और 33। श्री शुक उवाच इतिर्भूम्यर्थितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत्। श्रीशुक उवाच इति भूम्यर्थितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धित्मा। श्रीशुक उवाच इति भूम्यर्थितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत्। श्रीशुक उवाच इति भूमिर्मतो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्रविशत् श्रीशुक उवाच इति भूम्यर्थितो वाग्भिः
भगवान् भक्तनम्रया दत्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमान्। श्रीशुक उवाच इति भूम्यार्थितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्वा भयं भौमगृहं स्राविशत् सकलर्धिमान्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामृति। तात्पर्य अगले श्लोक को है, इस श्लोक को नहीं है। कृष्ण कृपामृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके अनुयायियों द्वारा। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार भूमि भूमि देवी द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर वाग्भिः उन शब्दों से भगवान भगवान भक्ति भक्तिपूर्वक नम्रया विनित दत्वा देकर अभ्यम अभयम अभय भौमगृहम भौमासुर के घर में प्राविशत प्रविष्ट हुए सकल समस्त वृद्धि ऐश्वर्य से मत युक्त। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनित भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। अगला श्लोक, तत्र राजन्य कन्यानां षट सहस्राधिकायुतम् भौमाहृतानां विक्रम्यां राजभ्यो दुद्रशे हरिः। वहाँ भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी पराशर मुनि का वह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जैसा कि विष्णु पुराण में उद्धृत है, जिसके अनुसार भौम के महल में 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। कन्यापुरे सकन्यानां षोडशातुल्य विक्रमः शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामते। हे विज्ञ, अद्वितीय पराक्रम वाले भगवान ने राजकुमारियों के आवास गृह से 16,100 राजकुमारियां ढूंढ निकाली। विष्णु पुराण का अन्य प्रासंगिक श्लोक इस प्रकार है, देव सिद्धासुरादीनां नृपानां च जनार्दनः हत्वा हृत्वा हि सो असुरः कन्या रुरोध निज मंदिरे। हे जनार्दन, वह असुर भौमासुर देवताओं सिद्धों असुरों तथा राजाओं की अविवाहिता पुत्रियों का हरण करके ले गया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के सुबह के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य चरितामृत में भी भौमासुर का या नरकासुर का वध का लीला का वर्णन आता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए थे और भक्ति भाव से अपने उत्तम भक्ति को या उत्तम भक्त को प्रदर्शित कर रहे थे, तो एक समय वो जा रहे थे नवद्वीप के रास्ते से, तो वहाँ पर उनको सुनाई दिया विष्णु सहस्त्रनाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम बड़े ध्यानपूर्वक सुनते सुनते उनको सुनाई दिया वराहदेव का नाम। तो जैसे वराहदेव का नाम सुने तो तुरंत जो है वो वराह के आवेश में आ गए और मुरारी गुप्त के घर पे गए। और वहाँ जाने के बाद में वो देखे कि मुरारी गुप्त के जो ऑल्टर था वहाँ पर ऑल्टर से एक बर्तन उठा लिया और अपनी नाक के ऊपर रख दिया उन्होंने और वहाँ पर प्रदक्षिणा करने ऐसे जाने लगे, उनकी मुद्रा में आ गए वराहदेव की। और तुरंत बोले मुरारी को, मुरारी प्रार्थना अर्पण करो। तो मुरारी तो बड़े विनम्र थे और उनके विनम्र स्वभाव को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूरी तरह से प्रेरित कर दिया प्रार्थना अर्पण करने के लिए। तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु वराहदेव की मुद्रा में भूमि देवी को धारण करके खड़े थे और मुरारी वहाँ पर प्रार्थना अर्पण कर रहे थे भगवान को, तो वो दिव्य स्वरूप भगवान का जो वराह रूप है भूमि माता है और वो जो भाव है आश्रय प्रदान करने का, शेल्टर प्रदान करने का, उसको देखकर मुरारी गुप्ता बड़े बहुत प्रार्थना अर्पण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बाद में वो बोलने लगे भक्तों की महिमा के बारे में। बोले भक्त कितने महान होते हैं, भक्तों को हमने पूजा करना चाहिए, केवल उनका सम्मान नहीं उनकी पूजा करनी चाहिए भक्त। और वो कहे कि भक्तों की तो निंदा या शिकायत, निंदा या क्रिटिसिज्म तो नहीं करना चाहिए। और वो बड़े विस्तार रूप से उसके ऊपर बोलने लगे और बोले कि मैं इस लीला के माध्यम से ये प्रकट करना चाह रहा हूँ कि अगर वो मेरा पुत्र भी है और वो अगर भक्तों के प्रति द्वेष करता है, निंदा करता है, शिकायत करता है, तो मैं उसे भी छोड़ूंगा नहीं या सबक सिखाऊंगा पूरी तरह से, या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा व्यक्ति पूरी तरह से। और हम देखते हैं कि ये लीला में पूरी तरह से नरकासुर कैसे, वो तो भगवान वराहदेव के और भूमि माता के संपर्क से उनसे उत्पन्न हुए थे और उनका नाम रखा गया था भौम, भूमि का पुत्र भौम।
लेकिन इतना अच्छा परवरिश हुआ था उनका, बताते हैं, सुना है मैंने प्रवचन में कि भगवान स्वयं है, भूमि माता स्वयं है, और क्या होने वाला है। लेकिन इतना कल्चरली उनका संस्कार के साथ में जो अपब्रिंगिंग हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जब कुसंग प्राप्त किया अपने जीवन में, जब वो संपर्क में बाणासुर, तो पूरे असुरों के गुण उनमें आ गए और वो भौम से बन गए भौमासुर। और भौमासुर के पास में तो फिर भगवान के पुत्र तो थे ही, और बहुत ऐश्वर्य था उनके पास में, बहुत शक्ति थी उनके पास में। तो स्वाभाविक तरीके से जब वो सत्संग या कुसंग जब किए ऐसा, तो उसके बाद में उन ऑपुलेंस का उनको गर्व होने लग गया कि मैं उस तरह से, वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए, पूरी तरह से मोहित हो गए। और वो उसके बाद में उन्होंने पूरा अपना शासन बोलो या अनुशासन बोलो, या शासन अनुशासन नहीं, अपना बहुत नियंत्रण का भाव दिखाते हुए गर्व से उन्होंने हर व्यक्ति को, हर शक्ति को उन्होंने, जैसे हम अगले वाले श्लोक में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने देवताओं, सिद्धों, असुरों तथा राजाओं के सभी अविवाहित पुत्रों को हरण करके लाया था उन्होंने। तो और पहले भी हम सुनते हैं कि कैसे देवता लोग बड़े चिंतित थे, उन्होंने देवताओं के साथ में, अदिति माता के साथ में, इंद्र के, वरुण के साथ में, सब कुछ अपना गर्व से जो है, जो चाहे मन चाहे उठा कर लेके गए, इस तरह से दिखा रहे थे। तो वो अपराध कर रहे थे। तो भगवान बाद में जब आए, कृष्ण सत्यभामा जी के साथ में जाकर उनको नाश कर दिया, उनका विनाश कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से वर्णन प्रकट करते हैं कि कैसे भगवान की भगवत्ता बड़ी महान है, भगवान हमेशा आश्रय प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुसंग के कारण अगर भक्तों के संग में आकर भक्तों से द्वेष या ईर्ष्या या उनकी निंदा करता है, तो भगवान बताते हैं कि वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पर ये लीला में हम सब देख रहे हैं काफ़ी दिनों से पहले, और आज यहाँ पर जब भूमि माता ने देखा कि कैसे नरकासुर का या भौमासुर का वध हो गया है, और बहुत ही एनिमेशन डिज़ाइन ग्राफिक्स के साथ में पूरा वर्णन आता है यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से वो मतलब जैसे कि हम भी भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। पहले गधा के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे जो स्टोन वॉल था, पत्थरों की जो था, उसको तोड़ दिया। उसके बाद में अपने चक्र से उन्होंने अग्नि, वायु और जल, ये तीनों भी भेद दिए। उसके बाद अंदर जाकर उन्होंने मूरा को पहले मारा डाला, मूरा रिपु उनका नाम, वो प्रसिद्ध हो गए। और उसके बाद में वो जाकर नरकासुर का भी वध किए अपने सुदर्शन चक्र से, उनको ख़त्म कर दिए। तो वो सब जब चल रहा था वहाँ पर, तो नरकासुर का बेटा भी वो सब देख रहा था कैसा भयंकर स्थिति हो रहा है और उनके पिता का कैसा हत्या हुआ है। तो काफ़ी भयभीत हो गया था वो, तो वो भय से उनको ये करने के लिए, भय से मुक्ति प्रदान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे जब भूमि माता ने पूरी प्रार्थना अर्पण की, तो उन्होंने अपने पोते को अभय प्रदान करने के लिए बोला, और भगवान ने भी उनको अभय प्रदान किया। और बाद में वो भौमासुर के महल में प्रवेश किए, और महल में प्रवेश करने के बाद क्या देखने को मिला उनको, वहाँ पर बहुत सारे ऐश्वर्य के बारे में वर्णन आएगा, मैं कर लेता हूँ वर्णन आज, अगले दो तीन श्लोकों में केवल वर्णन ही है। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा, तो वे मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन में उन्हें, जो कि वहाँ भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभीष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही इन राजकुमारियों ने या देवकुमारियों ने या सिद्ध कुमारियों ने जब देखा कि भगवान वहाँ पर आए हैं और ये तो बड़े सुंदर है, बड़े अट्रैक्टिव है, तो वो पूरी तरह से मोहित हो गई भगवान से, और तुरंत मन ही मन में उन्होंने विचार कर लिया कि ये तो पति के रूप में स्वीकार करना चाहिए, इनको तो बड़े सुंदर है, बड़े आकर्षित है।
तो राजकीय ब्राह्मण ने इस तरह से विचार किया, विधाता इस पुरुष को मेरा पति बना बनने का वर वर दे दे। तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान कृष्ण ही हमारे पति प्राप्त हो जाए, अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर दिया उन्होंने। बाद में जब अंदर जाते हैं तो भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। प्राग ज्योतिषपुर से फिर सब जो है द्वारका में आ गई। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल के 64 तेज सफ़ेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। तो सब कुछ जो है बेस्ट मेंट फॉर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान तब इंद्र के घर गए और अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। वहाँ इंद्र तथा उनकी पत्नी ने कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख कर दिया। इंद्र तथा अन्य सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपने राजधानी ले आए। तो यहाँ से दूसरी और लीला आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने अंदर जाकर पूरा ये देखा, सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो भौमासुर ने हर जगह से हर कर लाए थे और वहाँ पर रखे थे। तो पहले श्लोक पर ज़्यादा विचार करते हुए हम वहाँ पर चलेंगे कि जहाँ भूमि माता प्रार्थना कर रही है भगवान को कि आप जो है इस पौत्र को अभय प्रदान करो। तो ये भय जो है ये भौतिक जीवन का भौतिक स्थिति का बड़ा ही प्रोमिनेंट लक्षण है। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की जय। श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्रीताय गौर सुंदर की जय। और भय क्यों होता है ये समझना ही बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कभी कभार जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में या बस में मान लो, तो हम बहुत पीड़ित रहते हैं। कभी कभी उमस बहुत हो रही है, बहुत लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ली हो रही है और सब लोग अपना सीट पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाग दौड़ हो रही है। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि कोई माता अपने शिशु को लेके जा रही है और वो बच्चा आराम से सोया हुआ है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है माता के संरक्षण में। तो इतनी भगदौड़ लगी है, सब लोग को अपनी सीट चाहिए, सबको अपना सामान ठीक से लाना है, चोरी ना हो जाए, भागदौड़ हो रही है, सबको चिंता में अटके हुए है। लेकिन सब कोई शांति से सोच नहीं सकते उस समय, लेकिन बच्चा शांति से तो नहीं, वो सो रहा है आराम से, क्योंकि उसको पूरी तरह से वो आश्रय महसूस हो रहा है भगवान माता का। जब व्यक्ति या जीवात्मा ऐसा आश्रय महसूस करता है तभी वो भय से मुक्त हो सकता है। जब वो ऐसा आश्रय महसूस नहीं करता है तो वास्तव में वो हमेशा भयभीत रहता है। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में हम बहुत प्रयासरत रहते हैं अलग अलग प्रकार से, जो फाइनेंशियल मान लो, जो सोशल मान लो, या फैमिलियल मान लीजिए, या अलग अलग प्रकार के एकेडमिक फिजिकल जो प्रेशर्स रहते हैं, इनके भय से हम हमेशा दबे हुए रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है इससे छुटकारा प्राप्त करने का, लेकिन शायद हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते या उसको डील नहीं कर पाते हैं। तो भौतिक चीज़ें का अपने जीवन में होना महत्वपूर्ण है, ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि भौतिक चीज़ें जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है, और बदलते हुए चीज़ों के साथ में हमारा भय और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाता है। तो इसीलिए हमारा जो आश्रय है, जो हमारा शेल्टर है, वो हमें अनचेंजेबल चीज़ों से लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब हम अनचेंजेबल चीज़ें मतलब परिवर्तनशील या परिवर्तन विहीन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जब हमारा आश्रय स्थित हो जाता है तब हम वो भय से मुक्त होते हैं।
और इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी चेतना को अपरिवर्तनशील चीज़ों में लगाए, तो क्योंकि जो भौतिक चीज़ें होती हैं वो बदलती रहती है, तो इसीलिए जो आध्यात्मिक चीज़ें होती है जो अपरिवर्तनशील होती है, भगवान के दिव्य लीला, भगवान के नाम, भगवान के रूप, ये शाश्वत है, एटर्नल है, और इनका जब हम आश्रय लेना शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हम भय से मुक्त हो जाते हैं। भागवत में इसका वर्णन आता है, बताते सुंदर तरीके से कि कैसे भगवान का आश्रय लेने के कारण, भगवान के नाम का या कथा का आश्रय लेने से किस तरह से व्यक्ति को पूरी सिद्धि प्राप्त होती है। निवृत्त तर्शे रूपगीयमाना भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। तो जनरली लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए तीन प्रमुख विषय दिखाते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एक तो है प्रेम, दूसरा है युद्ध और तीसरा है राजनीति। इन तीनों को बड़े प्रबल रूप से दिखाया जाता है और लोग भी उसमें बड़े अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और देखा जाए तो उसके शुद्ध रूप में ये तीनों चीज़ें भगवान कृष्ण की लीला में बड़े पूरी तरह से दिखाई पड़ती हैं हमको। तो अगर हम भगवान कृष्ण के लीला को सुने भी और किसी व्यक्ति का विश्वास भी नहीं है लेकिन सुनना भी चालू करते तो उसका धीरे धीरे विश्वास डेवलप हो जाएगा। ये सुंदरता है, ये बड़ी विशेषता है भगवान के लीलाओं के बारे में, इसलिए बार बार उसका श्रवण करना चाहिए और श्रवण के माध्यम से ही व्यक्ति जो है पूरी तरह से अभय को प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। तो ये विशेषता है आध्यात्मिक दिव्य लीला, नाम, रूप, गुण, इनका आश्रय लेने में। और जैसे इनका आश्रय ग्रहण करता है व्यक्ति तो तुरंत उससे भय से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र की लीलाएं जो है ये बड़ी मधुर है और बड़ी आकर्षक है, और ये वास्तव में पूरी तरह से जीवात्माओं को अभय या शेल्टर या आश्रय प्रदान करने के लिए ही है। भगवान अपनी लीलाओं का आयोजन ही इसीलिए करते हैं कि भक्त लोग आकर उनका आश्रय लें या अभक्त लोग इसके प्रति आकर्षित हो जाए और इनके प्रति आश्रय लेने का प्रयास करें। रामानुजाचार्य वर्णन करते हैं कि दो प्रकार के दान होते हैं, और वो दान होते हैं सर्वश्रेष्ठ दान बताते हैं कि एक तो एक ज्ञान दान और दूसरा बताते हैं कि अभय दान, इनके बारे में वर्णन करते हैं। तो अभय दान के बारे में वो बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं, और श्री संप्रदाय में एक आचार्य है वेदांत देशी का, वो तो यहाँ तक बताते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है जो जाने जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, कि अपनी मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे, कि कैसे एक व्यक्ति को आइडियली एक पुत्र या एक पति या एक राजा कैसे होना चाहिए, उसकी मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान रामचंद्र आए हैं। लेकिन वेदांत देशी का बोलते हैं या आचार्य बोलते हैं कि नहीं, भगवान रामचंद्र जो आए वो प्रमुख तौर पे इसलिए आए हैं कि वो अभय प्रदान करें अपने भक्तों को, और वो रामायण को पूरे उसी दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने एक जगह पर पूरा उसका एनालिसिस किया है कि कैसे हर स्थिति में, हर कांड में, अब रामायण के हर कांड में वर्णन आता है कि कैसे भगवान रामचंद्र ने ये लीला की, और इसका केवल एक ही कार्य था, वो जो था भक्तों को अभय प्रदान करें। तो उन्होंने वहाँ पर एक ये चीज़ें लिखी थी, अभय प्रदान शरणम, अभय प्रदान सारम, तो उन्होंने वो एक लिखा है अभय प्रदान सार, और उसमें भगवान रामचंद्र के बारे में पूरा तरह से विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। तो बताते हैं अलग अलग कांडों में, जैसे बाल कांड में शुरुआत में वर्णन आता है कि कैसे रावण बहुत ही पराक्रमी थे और बहुत ही गर्वित होकर थे, जैसे हम सुने अभी बारहसुर के बारे में भी या नरकासुर के बारे में, और उन्होंने इतना हाहाकार मचा दिया था पूरे तीनों लोगों में, तो सभी लोग परेशान थे उनसे, देवता लोग भी बड़े परेशान थे उनसे। तो देवता लोग सभी जन भगवान के पास में गए थे कि कृपया इस
स्थिति से हमको निजात दे दीजिए, फ्री कर दीजिए। तो तब भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं। भगवान विष्णु बोलते कि मैं अभी कुछ ही समय में इस वंश में अवतरण होने वाला हूँ और केवल इसी कार्य के लिए कि आप सबको आश्रय प्रदान करूँगा और आप सबको मैं इन भय से मुक्त कराऊँगा भगवान रामचंद्र के लीला करते हुए। तो देवताओं का भय जो है वहाँ से दूर किए भगवान रामचंद्र। आगे बताते हैं कि कैसे जब रामायण आगे बढ़ता है तो यो अयोध्या कांड में हम सुनते हैं कि कैसा विस्तार रूप से वर्णन आता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है और बाद में सभी माताएं और सभी प्रजा बहुत ज़्यादा आनंदित होती है, लेकिन एक व्यक्ति होते हैं बिल्कुल आनंदित नहीं होते हैं और मंथरा जी, और वो जाकर अपनी मंथरणा करते हैं और उसके माध्यम से पूरा जो है रातों रात में या दिन की सुबह में ही पूरा जो रामायण पूरा टर्न लेता है, यू टर्न ले लेता है पूरी तरह से। और कौन सी रानी कैकेयी जो है पूरी तरह से कैसे रामचंद्र के बारे में दशरथ महाराज को कुछ वर मांगती है और पूरी तरह से टर्न आ जाता है। तो उस समय जब उनको बोला जाता है भगवान रामचंद्र को जब वनवास भेजा जाता है तो उस समय लक्ष्मण भी बड़े आसक्त होते हैं भगवान के प्रति, बड़े ही प्रेम होता है, स्नेह होता है उनका। हालांकि वही विष्णु अवतार है लेकिन उनका विशेष प्रेम होता है भगवान राम के प्रति। तो कहते हैं कि मैं आपके साथ में ही वनवास में चलूँगा, पूरे जितना समय आप वनवास में रहेंगे। तो रामचंद्र भगवान को बहुत समझाने का प्रयास करते कि आप मत आइए, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो उस समय भगवान रामचंद्र ये जानते हैं कि इनकी बड़ी प्रबल इच्छा है, तो देखते हैं कि उनकी माता जो है सुमित्रा को देख के वो बोलते हैं कि आप बिल्कुल चिंतित ना रहिए, जितने भी समय मैं वनवास में हूँ लक्ष्मण मेरे साथ में रहेंगे और मैं इनको पूरी तरह से आश्रय प्रदान करूँगा। जैसे कि अपने एक पुत्र की तरह से मैं उनका पालन करूँगा, इस तरह से आश्वस्त करते हैं। और इसका जो भाव था भगवान रामचंद्र का वो बड़े ही प्रबल रूप से प्रकट होता है जब वो अंतिम युद्ध के दौरान लक्ष्मण को प्रहार करते हैं इंद्रजीत। तो उस समय में नागपास से जो प्रहार करते हैं उस समय में भगवान रामचंद्र के मुख से यही बात निकलती कि मैं माता सुमित्रा को क्या बोलूँगा कि मैं अकेला वापस आया हूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से भगवान रामचंद्र प्रकट करते हैं बड़े स्ट्रांग तरीके से। तो वो भाव पता चलता है कि कैसे अभय प्रदान करना या आश्रय प्रदान करना, ये भगवान रामचंद्र बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास रहते हैं वहाँ पर। हम आगे देखते हैं रामायण में कि कैसे भगवान को वनवास होता है, भगवान वनवास में जाते हैं और जब वनवास में जाते हैं तो वहाँ के सब ऋषि मुनिगण भी भगवान राम सीता लक्ष्मण जी को देखते हैं और अपनी समस्याओं को उनके प्रति समक्ष में बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये कोंडिमंदे सुबाहु मरीच ये लोग आकर समस्या कर रहे हैं और बहुत सारे अन्य डिमन्स भी जो आ रहे हैं राक्षस लोग यहाँ पर समस्या कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र पूरी तरह से उनको आश्रय प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं कि ठीक है आप चिंतित रहिए। हालांकि माता सीता एक बार बोलती है उनको, अभी तो आप वनवास में हैं, अभी राजा नहीं हैं आप, आपको मतलब धनुष लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का वध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान रामचंद्र बोलते कि नहीं, इन लोगों ने अपने प्राण पूरी तरह से मुझे अर्पित कर लिए हैं, इन ऋषि मुनियों ने, और इनके संपर्क में रहने से मुझे कितना आह्लाद आनंद प्रदान हो रहा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं इनके लिए पूरी तरह से आश्रय प्रदान करूँगा, इनको मैं अभय प्रदान करूँगा। इसलिए वो अपने उस कर्तव्य के प्रति बड़े परायण होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जैसे अरण्यकांड से बाद में वो धीरे धीरे किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं, जब उनको माता सीता का अपहरण होता है और वहाँ से जाने के बाद में जब उनको बताया जाता है कि आप
किष्किंधा क्षेत्र में जाकर सुग्रीव के साथ में आप टैप कीजिए, वहाँ पर पता चल जाएगा कि वो बताएंगे आपको, मदद करेंगे किस तरह से वो हेल्प करना है वहाँ पर। लेकिन जब वो सुग्रीव को मिलते हैं तो सुग्रीव भी एक समस्या से जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरा राज्य और उनकी पत्नी भी पूरी तरह से हर ली गई थी उनके भाई ने, वाली ने। तो वो भी बड़े भयभीत होते हैं, सुग्रीव इतने भयभीत होते हैं कि वो क्षेत्र छोड़कर कहीं और जाते नहीं हैं, क्योंकि उसके बाद में बाली उनके बाद में कहीं पर भी उनको प्रहार कर सकता है, और बाली को कर्ज था, श्राप था कि वो उस क्षेत्र में कभी आ नहीं सकता है। तो इसके कारण वो भय के कारण वहाँ पर छुपे हुए थे, और उस भय से मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र ने उनको वहाँ पर भी वाली के साथ युद्ध करके वाली को ख़त्म करके उनके भय को वहाँ से नष्ट कर दिया। तो इस तरह से हर कांड में जाकर किस तरह से वो कांड को एक अभय प्रदान करने का ही लीला भगवान कर रहे हैं, ऐसे वो आचार्य दिख रहे हैं। तो बाद में वो किष्किंधा कांड से आगे जब बढ़ते हैं सुंदरकांड में आते हैं, तो हनुमान जी छलांग लगाकर लंका को पहुँचते हैं, और लंका में जाने के बाद में माता सीता का खोज करते हैं पूरी तरह से, और खोज करने के बाद में सीता माता से वार्तालाप होने के बाद में जब वो वापस जा रहे होते तो बोलते कि मैं अभी भगवान रामचंद्र को क्या मैं ऐसी बात बताऊं या ऐसी निशानी दूँ उनको कि मैं आपको मिला और आप यहाँ पर है ये बताने के लिए। तो माता सीता उस समय उनको एक कहानी बताती है कि कैसे एक बार एक क्रोध जयंत नाम का जो कौवा था वो आया था, और उसने कैसे प्रहार किया था, और भगवान रामचंद्र उन्होंने जब देखा और उन्होंने तुरंत ही जो है एक तृण के ऊपर ब्रह्मास्त्र को ये कर उनके ऊपर फेंक दिया था, पूरा प्रहार कर दिया था। और वो जो कि बड़ा ही द्वेषी था, बड़ा ही असुरिक प्रवृत्ति का था, लेकिन जब वो भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको भी अभय प्रदान करते हैं। हालांकि वो बड़ा अपराधी होता है भगवान रामचंद्र का, क्योंकि उसने सीता माता के ऊपर बड़ा आक्रमण किया होता है। तो ये लीला बताते हैं, तो वो आचार्य देख रहे ये लीला भी एक ऐसे आश्रय प्रदान करने की लीला सुंदरकांड से। और बाद में जो आखिरी में युद्धकांड में बड़ा ही एक विशेष प्रसंग आता है, जिसको बोलते हैं कि जिस तरह से श्रीमद्भागवत महाभारत में जिस तरह से भगवद्गीता का जो सेक्शन आता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे ही रामायण में ये जो युद्ध कांड है इसमें पर्टिकुलरली जो विभीषण की शरणागति है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो सिद्धांतों को स्थापित करते हैं कि कैसे विभीषण अपने भाई रावण से उनकी संगति को छोड़कर भगवान रामचंद्र के आश्रय में आए थे, और जब वो आकाश मार्ग से आए और उन्होंने आश्रय के लिए जब रिक्वेस्ट किया तो जितने भी उनके वानर सैनिक थे, भक्त थे, सुग्रीव, हनुमान वंद थे, अंगद, जाम्बवान, तो वो लोग सब ने बोला था कि नहीं, ये दूध बनकर आए हैं और ये मायावी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के है, किसी तरह से वो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, और ख़ास करके एक क्षण में तो नहीं कर किया जा सकता है। तो भगवान रामचंद्र वो बोलते हैं कि पीपल कॉल मी राम द इनकारनेशन ऑफ धर्म एंड आई हैव लेड डाउन द रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल, आई मस्ट प्रैक्टिस देम राइट नाउ इफ आई इवन आई वेयर टू इन्फ्लिक्ट अ पेन ऑन वन हु हैज टेकन रिफ्यूज इन मी, वेर इज द लिमिट टू द एविल दैट मैन मे डू। तो इतने वो कृपालु है और वो जानते हैं कि जीवात्मा का कैसा कुबुद्धि कार्य करता है, लेकिन भगवान बोलते कि मुझे मेरा धर्म में स्थित करना है, मुझे आश्रय प्रदान करना है, मुझे धर्म का प्रदान करना है। तो बड़े सुंदर तरीके से वो बोलते हैं द सीकर ऑफ रिफ्यूज नीड नॉट फील फ्रेंडली टूवर्ड्स द प्रोटेक्टर नॉर एक्सप्रेस फ्रेंडशिप इन वर्ड्स और कंडक्ट, ही नीड नॉट बी एंडोर्ड विद द एक्सलेंस दैट द डॉक्ट्रीन ऑफ रिफ्यूज
demands of the seeker, it is quite enough that he seeks, the seeker should join the palms in the prayers as a gesture of surrender. Even if he does not join hands, it is enough if he announces that one is helpless and need help. Even if he is absent, turning in the direction of the Savior is enough. Let the supplicant be our direct foe, still we cannot harm him. तो कितने सारे चीज़ें बताए उन्होंने यहाँ पर कि अगर जो शरणागत आने का व्यक्ति है वो भले ही मैत्री के भाव में ना हो, जनरली शरणागति कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसका भाव क्या होता है, मैत्री का भाव होता है, और कोई व्यक्ति मैत्री के भाव में नहीं और शरणागति लेने आ रहा है तो विचार क्या आता है मन में, अरे बदमाशी करेगा, इसको बख्शा नहीं जाए। तो इसलिए बोल रहे कि अगर जो शरणागत आ रहा है वो अगर मैत्री के भाव में भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको शरणागति देनी चाहिए। उसको अगर बहुत सुंदर तरीके से बोलना नहीं आता है कि मैं आपके शरण में आया हूँ, केवल वो आकर हाथ जोड़ दे, तो इसको शरण प्रदान करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं कि अगर उसको हाथ जोड़ना भी नहीं आ रहा है, अहंकार होता है ना कि कैसे शरण जाऊँ उसके, मैं कैसे, मैं ऐसा करना, मतलब कठिन होता है कार्य, खास मतलब जिनके साथ जमता है या जिनका स्वागत करना है उनके तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, लेकिन जिनका चेहरा देखने से भी गुस्सा आ जाता है उसके सामने, ऐसा मतलब बहुत कठिन होता है, ये हाथ आते नहीं पास में, पता नहीं मतलब दूर दूर हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हाथ जोड़ने की भी उसकी शक्ति नहीं है तो क्या बोले, अनाउंस कर दे वो कि भाई बस मुझे शरणागत, मुझे, मैं शरण में आता हूँ, मैं आप बोले केवल तो भी उसको शरण कर दूंगा मैं। यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि अगर वो हाथ जोड़ने के लिए और देखने के लिए भी तैयार नहीं है उस दिशा में, हाथ जोड़कर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है तो एटलीस्ट उस दिशा में देखे वो जिधर शरणागत देने वाला व्यक्ति खड़ा है, तो उसको मैं शरण कैसे नहीं दे सकता हूँ। तो इतने भगवान जो है सृदम सर्व भूतानां, भगवान कैसे सृद है सभी जीवात्माओं के, और वो वास्तव में अभय प्रदान करने के लिए ही है कि डरो मत। सब जो सार है, शरणागति भौतिक जगत में शोषण के कारण व्यक्ति बहुत डरा हुआ रहता है, लेकिन शरणागति के इस महत्वपूर्ण विषय को आचार्यगण बहुत वर्णन करते हैं। भगवान तो उसकी पराकाष्ठा के तौर से बता देते हैं यहाँ पर। भगवान कृष्ण की भी लीला में देखते हैं हम कि भगवान कैसे ये दया की भाव जो है भगवान का, या अभय पढ़ने का, पत्र प्रदान करने का जो भाव है, बड़ा ही अनलिमिटेड है। पूतना इति वध करने के लिए भगवान का पूरे इंटेंशन के साथ में कि ये बच्चे को तो मैं ख़त्म करके ही जाऊंगी, अभी आज कालकूट लगा कर आई थी पूरी तरह से, तो इंटेंशंस वॉज वेरी डेडली, वेरी एविल, वेरी स्ट्रांग, मतलब बहुत ही घृणात्मक, बहुत ही भयावह थे, लेकिन भगवान ने उसमें भी थोड़ा अच्छा देख लिया, बोले अरे इसमें एक भाव है, क्या भाव है, सेवा करने के लिए आई है और दूध पिलाना चाहती है, तो भगवान ने केवल सेवा ही ग्रहण कर ली और बाकी चीज़ को उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और उनको बोलते कि धात्री का विशेष है ना स्थान प्रदान कर दिया अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो भगवान की हर लीलाओं में हम देखते हैं कि शास्त्र इसका वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान इस तत्व को बड़े ही वैल्यूबल, इम्पोर्टेंट समझते अपने आचरण में या जीवन में या उनके लाइफ में, और उसके प्रति वो हमेशा तैयार रहते हैं हर स्थिति में आश्रय प्रदान करने के लिए, अभय प्रदान करने के लिए। और आचार्यगण भी हम देखते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को बार 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 स्थापित करते हैं, अभय प्रदान करते हैं या आश्रय प्रदान करते हैं।
अगर आश्रय नहीं है, अगर अभय नहीं है, तो जीवात्मा और पीड़ित होगा, उसमें ग्रसित रहेगा और स्वयं को बचाने के चक्कर में, स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के चक्कर में स्वयं का ही हानि करता जाएगा पूरी तरह से। हर उसके प्रयास जो है विफल होते रहेंगे और भगवान की शरण जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो गलत दिशा में ही लगा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा स्थिति है कि कैसे महत्वपूर्ण रूप से जीवात्मा को प्रयास करना चाहिए भगवान जो अभय चरण है, भगवान के जो चरण उनका आश्रय प्रदान करने का, और उसके माध्यम से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए भगवान के साथ में संबंध स्थापित करने का। तो इसी तरह से यहाँ पर जो भूमि माता हैं वो प्रार्थना कर रही हैं, बोल रही कि इनको अभय प्रदान करो भगवान, है ना। और भगवान के तो पोते ही थे वो, बेटे के बेटे, तो भगवान ने उनको फिर पूरी तरह से ऐश्वर्य से और अभय से उनको अभय प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई टिप्पणियाँ, कोई प्रश्न? श्याम रसिक प्रभु अंगद भी जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है जहाँ पर उनको अंगद जी को पता चल जाता है। हनुमान जी का वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में है। क्योंकि क्या होता है, जैसे टिप्पणियाँ होती है वो रसों से भरी हुई होती है, आचार्यों के भावों से भी भरी होती है, तो कभी कभी वो लीला के पीछे जाकर लीला में क्या चल रहा है वो भी भाव प्रकट पहले ही कर देते हैं। तो दो तरह से वो रस को और तत्व को अगर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर तो। आई डोंट नो वेदर आप बता सकते हैं प्रभु जी, इसमें नहीं है ना अपने वाल्मीकि रामायण में, नहीं ना वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो ये आचार्य के टिप्पणियाँ हैं उसके आधार पर है, तो ऐसा हम जरूरी नहीं कर सकते। कुछ बोल रहे हैं हरिकृपा प्रभु? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।